नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और आज हम सूजी के बड़े बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बनते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। दोस्तों बड़े तो बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन हम सूजी के बड़े बनाना बताएंगे। जिसके लिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, ये मेरी मोटी वाली सूजी है। आप बारीक वाली के बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और आधा कटोरी मैंने दही लिया है, दही हमारा ज्यादा खट्टा नहीं है। कटी हुई मैंने एक प्याज ली है, 3-4 मैंने हरी मिर्ची ली है और बारीक कटी हुई मैंने अदरक ली है। और इसमें डालने के लिए मसालों में सिर्फ हम नमक डालेंगे, हम बहुत सारे मसाले नहीं डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक बाउल लिया है, उसमें सूजी को डाल देते हैं। सूजी मैंने डाल दी है दोस्तों, अब हम इसमें दही भी मिला देते हैं। और दही को अच्छे से एक बार सूजी में मिक्स करते हैं। और पानी इसमें, अगर हमारा दही पतला है तो हम पानी उस हिसाब से डालेंगे, और दही अगर हमारी गाढ़ी है तो थोड़ा पानी ज्यादा पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, पानी हमें बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है दोस्तों। दोस्तों दही और सूजी को मैंने मिक्स कर दिया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए, उसके बाद देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है, और फूलने की वजह से ये गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हमने प्याज लिया था, प्याज भी इसमें डाल देंगे और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्ची हमारी तीखी कम है इसलिए मैंने इसमें डाली है, आपको अगर ज़्यादा तीखी है तो आप कम डालें। और अदरक भी डाल देते हैं। अब इसमें दोस्तों नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और डालेंगे कटा हुआ धनिया, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अब सारे बैटर को हम मिला लेते हैं। दोस्तों अभी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, और दोस्तों इसके बड़े उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं जितने कि दाल के लगते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी और डाल लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। जिस तरह से हम दाल का पेस्ट बनाते हैं उसी तरह से मेरे को इसका बैटर बनाना है। अब ये ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ना बहुत पतला है। और नमक आप इसको चख सकते हैं एक बार। देखिए दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा 1 पिंच हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बिल्कुल 1 पिंच डालना है। और ये सबसे लास्ट में डालते हैं क्योंकि इसको डालने के बाद तुरंत ही बनाना होता है। और एक बार हम अच्छे से और मिक्स कर देते हैं। अब हम बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों पे इस तरह से हम पानी लगाएंगे और इस तरह से उठाएंगे। और इस तरह से बराबर गोल आकार में फैला के बीच में ऐसे होल करके, देखिए दोस्तों इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था और ये इस तरह से बड़ा हमने बनाया है। अब हम इसको धीरे से इसमें डाल देते हैं और इसी तरह से हम और भी सारे बना लेते हैं। देखिए दोस्तों एक बड़ा हम और बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से मैंने दोनों हाथों में एक दूसरे पे लगा के ट्रांसफर किया है और बीच में हल्का सा मैंने होल किया है। अब इसको भी डाल, देखिए दोस्तों सूजी के बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और ये जितनी जल्दी बनते हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोस्तों इसकी रेसिपी एक बार आप जरूर बना के ट्राई करें, बिल्कुल मैंने सिंपल और आसान तरीके से बनाए हैं। और अगर हमारी बड़े की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।